वेलकम शिल्पी की दुनिया। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन पे क्लिक करके। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ दिया में कैसे ड्राइंग करें जो दिया जो है वो और भी खूबसूरत लगे। और ये रहा दिया जो कि मैंने 2-3 घंटे के लिए अगर आप फुलने दे देंगे तो ये अच्छे से फुल जाएगा, क्योंकि अगर ये नया है तो उसमें जैसे ही हम तेल या घी डालेंगे तो ये पूरा सोख लेगा। अगर इसको फुला देंगे तो फिर ये सोखता कम है। तो इसके बाद हम एक टॉवल लिए हैं, इस पे दिए को या बाहर भी आप छोड़ दीजिएगा ना धूप में तो इसका पूरा पानी निकल जाएगा। इसके पानी को पूरा निकाल देंगे, ये अपने आप सूख जाएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें ड्राइंग कैसे करें। तो देखिए ऐसे ही बस दिया को निकाल के पोंछ देना है या धूप में, या आप इसको धूप में भी सूखने दे सकते हैं, टॉवल से पोंछ सकते हैं या धूप में सूखने दे दीजिए, ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मेरा चेहरा आ रहा है ना, वो मेरा पूरा सूख गया है, पूरा सूख के अच्छे से सूख चुका है दिया मेरा। तो ये सब मैं एक्रेलिक पेंट रखी हूँ कुछ कलर, वो आप अपने चूज कर सकते हैं किस कलर से आपको करना है। तो ये मेरा स्काई ब्लू है और गीला करके रखिएगा कि ब्रश जो है ना वो गीला रहने से, उसके बाद पोंछ लीजिएगा। ठीक है, अब इसको एकदम फास्ट फास्ट, इतना सुंदर दिखने वाला ये दिया। और आप जब खुद से बनाते हैं ना, जब आप दिवाली या पे खुद से कुछ वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा फील आता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम घर पे अपने से पेंट कर रहे हैं, दिवाली वाली फीलिंग्स आएगी पूरी। तो देखिए मैंने सोचा क्यों ना इस दिवाली में आप लोगों को दिया दिखाऊं पेंट करके। मुझे नहीं लगता कि मैं जितने दिए आप लोगों को दिखाऊंगी, फाइनली मेरा पेंट हो चुका है, मैं जितना दिया आप लोगों को दिखाऊंगी उतने दिए आपको मेरा चैलेंज है गूगल पे भी नहीं मिलेगी इस तरह के डिजाइन। तो बस आप लोग देखिएगा, इसको थोड़े देर के लिए सूखने दे दीजिए। ये सूख जाने से क्या, येलो कलर, दिवाली है, लाल पीला तो मजा आता ही है, देख के ही बड़ा अच्छा दिखता है, बिना लाल पीला के तो अधूरा है हमारी ड्राइंग, हमारी रंगोली, हमारी दीपक दिया। देखिए कितना देख सकते हैं, ये इसका बाहर भी कलर सबसे इजी और ये दिख रहा है, ये सबसे इजी डिजाइन।
तो आप लोगों को दिख रहा है ये, तो इसमें जाएगा ग्रीन। इसके ऊपर ये रेड जाएगा। इसके ऊपर ये पूरा रेड जाएगा। ये लोगों का बटन है हमें डबल लाइन करना है, तो ये मेरा डबल लाइन हो गया पूरे में, है ना। अब इस डबल लाइन को इसमें थोड़ा सा मैं मधुबनी टच देने जा रही हूँ। इसमें बनेगी फिश। अब ये जो कॉर्नर बचा है इसका फूल, फिश का जो टेल है वो रेड जाएगा, सॉरी येलो जाएगा, और मुझे बताइएगा जरूर आप लोग।
ये अपनी मधुबनी डिजाइन है, मधुबनी उनको ये दिया कैसा दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर। और मिट्टी का दिया है और अपने घर पे जलाएं, अपने से बना हुआ ड्राइंग करके, आर्ट करके, तो बहुत ही सुंदर है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो यू ही देखते रहिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल।